स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। और हमेशा की तरह इस बार भी आपके साथ मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त स्नेहा। दोस्तों, ऊपर वाले ने इंसान को एक बहुत ही अच्छी चीज तोहफे में दी है और वो है क्रिएटिविटी। पहले का जमाना और था जब क्रिएटिविटी को एज अ हॉबी लिया जाता था, लेकिन अब आप इसमें एक बेहतर करियर भी बना सकते हैं। कैसे, हम आपको आज के एपिसोड में यही दिखाएंगे। इंदौर के एक युवा कलाकार वाजिद खान ने कुछ हटके करने की ठानी और कुछ ऐसा कर दिखाया कि सात समुंदर पार अमेरिका में भी उनका नाम हो गया। तब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया, आइए आपको दिखाते हैं उनकी कला की एक झलक। मजा आया ना, कहा था ना कुछ हटकर है। अब ये जो हटकर कमाल दिखाया है उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं वाजिद खान से। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। हेलो सर, आपने जो इतनी बेहतरीन क्रिएटिविटी की है, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया। बेसिकली मैं बचपन से कुछ नया करना चाहता था, नया मतलब आर्ट में कुछ नया डिफरेंस जो लोगों को पसंद आए और वो काम पूरी दुनिया में ना हो, मैंने ये सोच के अपना काम स्टार्ट किया। सबसे पहले एक दुनिया की सबसे पहली 3D पेंटिंग बनाई, उसके बाद कैनवास पेंटिंग बनाई, उसके बाद नेल आर्ट बनाया, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आर्ट बनाया। आर्ट किया है, ये बेसिकली बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें पहले से स्केच नहीं किया जाता, डायरेक्ट नेल से किया जाता है। तो इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होती करने में? नहीं, बहुत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। एक आर्ट बनाने में तकरीबन 6 महीने लगते हैं और 6 महीने में भी 10 घंटे हम रोज काम करते हैं तकरीबन, तो दिक्कत तो काफ़ी आती है इसमें। आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो इनका आर्ट से क्या रिलेशन है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूँ कि ये पूरा एक ऑपरेशन है, ये एक आर्ट का ऑपरेशन है जो मैं आर्ट बनाता हूँ। उसके लिए मुझे ऑपरेशन इक्विपमेंट लगे हैं। ये बेसिकली नेल पकड़ने के लिए होता है, और आपको मैं इसकी बात करूँ तो ये बेसिकली जो नेल के डस्ट जो आ जाती है उसे क्लीन करने के लिए काम आता है। ये जो कटर है, ये आपको कटर लग रहा है, बाकी ये नेल बेसिकली जो नेल बेंड हो जाती है उस नेल को सीधा करने का काम करता है, है ना। दूसरी बात, ये मेरे पास सीजर है, सारे इक्विपमेंट है। और रही दूसरी बात, इस इक्विपमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं आने वाली जो आर्ट बना रहा हूँ उसमें सारे इक्विपमेंट मैंने जमा के एक बच्चे का रोते हुए फोटो बनाया है भ्रूण हत्या के लिए। तो आप
कैसे बना लेते हैं? लाइक उसमें आप किसी का चेहरा अगर बना रहे हैं तो आईज बनाना, बाल बनाना, नेल से कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये सब बेसिकली जजमेंट और प्रैक्टिस का कमाल है सर। जब आपने सोचा कि मैं ये काम करूंगा, क्रिएटिविटी में अपना नाम कमाऊंगा, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे कजिन, मेरे गांव वाले हमेशा मजाक बनाते रहे हैं, आज भी मजाक बनाते हैं, उनकी मजाक का हिस्सा हूँ मैं आज। बाकी मुझे ज़िंदगी में कुछ करना था, मैं करता रहा, वो हंसते रहे, मैं करता रहा, वो हंसते रहे, तो ये मेरी ज़िंदगी का एक सफ़र रहा है। हिंदुस्तान में अक्सर ही देखा जाता कि आर्टिस्ट जब बहुत एज वाला हो जाता, 50 साल के बाद ही वो आर्टिस्ट बनता है, इससे पहले वो हमेशा धक्के खाने वाला एक इंसान रहता है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि मैं इस कम उम्र में इतने अच्छे मुकाम पे हूँ। बहुत ही बढ़िया। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना? मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो जिंदगी में जो भी काम करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से करें, पूरी ईमानदारी से काम करें, बहुत अच्छा स्कोप है, कभी हिम्मत ना हारें, सिर्फ कंटिन्यू करते रहें, कामयाबी एक रोज मिल ही जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, ना तो कला की कोई उम्र होती है और ना ही कलाकार की। भाई, हमें तो वाजिद खान से बात करके बड़ा मजा आया। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। फाइन आर्ट्स में हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज हैं। अभी हमने आपको कुछ खूबसूरती दिखाई, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो यहाँ ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।